हाय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। डियर स्टूडेंट, आज हम जिस वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे वो वैकेंसीज बहुत अच्छी वैकेंसीज है और ये वैकेंसीज 12th पास स्टूडेंट के लिए। आज हम जॉइनिंग से लेके और वैकेंसीज को एग्जिट करने तक सारी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। कैसे आप वैकेंसीज में मतलब आप जॉइनिंग लेते हो और कैसे आप अपनी जॉब छोड़ के कहीं और स्विच कर सकते हो, सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हालांकि जो स्टूडेंट गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहा है वो अपना करता रहे, जो यहाँ पे थक चुका है, जिनको जॉब की बहुत ज़्यादा नीड है, तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। सो गाइज, आज की जो हमारी वीडियो है ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कार्गो लॉजिस्टिक एलीट सर्विस की वैकेंसीज है। बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट हुआ कि ये प्राइवेट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया तो गवर्नमेंट है। सो गाइज, आपको बता दूं ये एक प्राइवेट कंपनी है, लेकिन ये सब्सिडरी कंपनी है गवर्नमेंट की। तो यहाँ पे ऐसा मत समझना ये हमारी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, तो आप जो है इसके सारी अपनी जिंदगी काट लो। ये सिर्फ पार्ट टाइम के लिए अच्छी है, परमानेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे कि वैकेंसीज क्या है। देखो, पोस्ट के बारे में बात करेंगे। इसका काम असिस्टेंट सिक्योरिटी की वैकेंसीज आई है। असिस्टेंट सिक्योरिटी का काम क्या है? देखो, आप यहाँ पे कंपनी का नाम जब कार्गो लॉजिस्टिक एलीट सर्विस है तो कार्गो से रिलेटेड ही सारा काम होगा, तो आपको वहाँ पे जो सिक्योरिटी करनी है, कार्गो वेयर हाउस रहेंगे एयरपोर्ट पर, कार्गो के बड़े बड़े वेयर हाउस है जो कि कार्गो से एयरलाइन में जाते हैं, तो उन कार्गो सामान की सिक्योरिटी होती है और जो भी कार्गो स्क्रीनिंग के लिए जाते हैं तो वहां पे सिक्योरिटी वाले थोड़ी हेल्प करते हैं। बहुत सारी जो प्रोफाइल रहती है तो हम किसी और वीडियो में अच्छे से बातें करेंगे, क्या काम करना होता है, क्या काम नहीं करना होता है। तो ये असिस्टेंट सिक्योरिटी की वैकेंसीज है। टोटल पोस्ट हम बात करें 436 वैकेंसीज है पैन इंडिया के लिए वैकेंसीज आई है। यहां पे कुछ स्टेट, कुछ डिस्ट्रिक्ट यहां पे जो है इन लोगों ने दिए हुए नोटिफिकेशन में, बट ऐसा नहीं, जहां तक भी कार्गो एलीट सर्विस का नेटवर्क है वहां तक वो आपका ट्रांसफर कर सकती है। एज पर ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट आपको वहां पे बेस्ड कर सकती है, ट्रांसफर दे सकती है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट, जो सभी स्टूडेंट का डाउट है क्या ये वैकेंसीज आपके लिए ठीक है। वैकेंसीज 3 साल के बाद आपको यहां पे ये जो कंपनी है छोड़ देगी या फिर नहीं छोड़ देगी। देखो क्या है, 3 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, लेकिन ऐसा नहीं लिखा कि कॉन्ट्रैक्ट, यहां पर लिखा है फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट यहां पर लिखा है। तो इसका मतलब यह है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है आफ्टर 3 ईयर रिन्यू होता रहेगा, जब तक आप रहोगे तो कंपनी में रिन्यू होता रहेगा। इवन जो भी एयरपोर्ट पे थर्ड पार्टी कंपनी है सबके कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ही रिन्यू होते हैं। ठीक है, तो 3 साल तक आपको काम करना है, उसके बाद यह कंपनी आप छोड़ सकते हो। ठीक है, वो कैसे छोड़ सकते हो वो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि कहीं और दूसरों को अपॉर्चुनिटी किसी एयरलाइन में मिल जाती है तो वहाँ भी मतलब कि स्टूडेंट सोचता है कि मैं किसी और कंपनी में जाके स्विच कर लूँ तो मेरे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, तो कंपनी कैसे छोड़ेगा वो भी हम बताएंगे, सारी चीज़ समझाएंगे। तो यहाँ पे हम फी की बात करें तो 500 रुपीज़ OBC और जनरल स्टूडेंट के लिए, बाकी जो अदर स्टूडेंट है STSC EWS तो उनके लिए यहाँ पे 100 रुपीज़ रखी गई है। तो ये देख लेना आप, क्योंकि इसका फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना है, तो देख लेना आप किस कैटेगरी में हो। ठीक है, और यहाँ पे एज का रिलैक्सेशन भी है, एज पर गवर्नमेंट आपको एज का रिलैक्सेशन मिलेगा। OBC वालों को 3 साल की छूट मिलेगी, SC ST वालों को 5 साल की छूट मिलेगी। क्लियर हुआ। यहाँ पे एजुकेशन के बारे में बात करें, देखो यहाँ पे जो वैकेंसी चाहिए असिस्टेंट सिक्योरिटी की वैकेंसी चाहिए, इसके लिए ऐसा नहीं कि ग्रेजुएशन पास है तो 12th पास मांगे। 12th पास के लिए जो सैलरी रखी है ये थोड़ा बहुत लिमिटेड सैलरी है, ठीक सैलरी है। अगर आपकी जॉब नहीं लग रही है, आप जो है अपने घर के बैकग्राउंड से थोड़े वीक है, तो यहाँ पे अप्लाई करके अपनी गवर्नमेंट के साथ साथ प्रिपरेशन आप कर सकते हो। लेकिन इसका वर्किंग आवर भी आपका 8 आवर का है, तो वो आप अपने हिसाब से, अपने सूटेबल के हिसाब से, कंफर्ट जोन के हिसाब से इसमें अप्लाई कर सकते हो। बाकी सारी चीज़ मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, आपके 12th में 60% नंबर होने चाहिए। ठीक है, आपके 12th में 60% नंबर होने चाहिए, वो भी जनरल के लिए। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे बोलेंगे कि मैं OBC से हूँ या फिर AW से हूँ तो इसमें क्या होने चाहिए। देखो, OBC और जनरल वालों के लिए जो फी की रिक्वायरमेंट्स है दोनों को कोमल मिला के, ऐसे यहाँ पे OBC जनरल 60% और 55% ST SC और AWS के लिए 55% आपके मार्क्स इसमें होने चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। एज की बात करेंगे, एज आपकी जो है आपकी एज काउंट होगी 1/10/2023 से, मतलब 1 अक्टूबर 2023 से आपकी एज काउंट होगी। आपकी एज जो है 1 तारीख से 27 साल से नीचे होनी चाहिए। एज आप गूगल के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी को नहीं पता तो कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसको बता दूंगा कि उसकी एज कितनी है, अपनी DOB यहां पे कमेंट कर सकता है। ठीक है, सैलरी की बात करेंगे, भाई सैलरी क्लियर है, यहां पे जो है 21,500 आपका फर्स्ट ईयर, 22,000 आपको सेकंड ईयर,
थर्ड ईयर आपके 22,500, ये पूरी सैलरी मतलब पर मंथ की सैलरी है, ऐसा नहीं कि आपकी पर एनम सैलरी, पर मंथ आपको इतनी सैलरी मिलेगी। बाकी कंपनी की तरफ से यहाँ पे सब कुछ जो अलाउंसेज है सब इसी सैलरी में काउंट है, खाना पीना रहना आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे कमेंट करके पूछते हैं कि खाना पीना रहना मिलेगा, तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको सब बाहर से ही खुद का अरेंजमेंट करना है, खुद अपने तरीके से रहना है, खाना बनाना है, खाना है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे है। ठीक है, बात करें यहाँ पे लीव की, देखो 18 पीएल प्रिविलेज लीव है यहाँ पे, 12 हाफ पे लीव है। 12 हाफ पे लीव का मतलब क्या होता है, अगर आप अपनी जॉब पे आए हो तो 2-4 घंटा आपको हुआ है आते हुए, तो आपकी तबीयत कभी ख़राब हो जाती है, तो वहाँ पर आप हाफ लीव लेके जो है वहाँ पर आप फुल डे की अटेंडेंस आप लगवा सकते हो, क्योंकि आपने हाफ लीव ली है तो ये आपको हाफ ही मिलेगी। इसको टोटल पूरा बोल सकते हो, 6 फुल डे लीव बोल सकते हो आप, लेकिन ये 6 फुल डे नहीं मिलेगी, तो क्योंकि इस कंपनी की पॉलिसी है जो हाफ लीव है तो आपको हाफ ही दी जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे 2 हाफ लीव को 1 फुल डे ले सकते हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सीएल भी दी है, कैजुअल लीव या फिर एसएल लीव यहाँ पे दी है, तो ये 9 दी है, 2 आरएच लीव दी है। ठीक है, ये यहाँ तक क्लियर हुआ। बात करेंगे मेडिकल, मेडिकल आपका 10,000 का पर एनम आपका यहाँ पे मेडिकल रहेगा, जो भी आपका खर्चा वर्चा होता है मेडिकल के, आपके इश्यूज होते हैं, कोई मेडिसिन लेते हो, तो ये सब चीज़ें रहेगी, आप इसका फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हो। अगर गाइज इस कंपनी को आप छोड़ना चाहते हो तो आपको क्या करना है, एक रेजिग्नेशन लेटर आपको लिखना है, तो 3 महीने का नोटिस पीरियड, मतलब कि 3 महीने तक आपको काम करना है इसके अंडर में, 3 महीने तक, उसके बाद आप छोड़ सकते हो, जब ये आप दूसरी कंपनी स्विच कर सकते हो। ऐसे नहीं कि आप 1 महीने तक छोड़ दो, क्योंकि फिर आपका एक्सपीरियंस लेटर फंस जाएगा। एज ए सिक्योरिटी असिस्टेंट तो आपको बहुत काम करने होते हैं, ठीक है, ईजी जॉब नहीं है, बहुत हार्ड जॉब है। और सिलेक्शन की बात करें, छोटा मोटा आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू आपको बाई मेल सब कुछ मिलता रहेगा, खास कुछ इंटरव्यू नहीं होता है, क्योंकि एवरी ईयर आपको पता है 400-500 वैकेंसीज आती है। इसमें ईजिली अगर आपकी इंग्लिश एवरेज है, 40% है, तो आपका सिलेक्शन ईजिली हो जाएगा। अगर आप इच्छुक है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट।